स्टूडेंट वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज का लेक्चर नंबर फिफ्टीन अभी तक हम फोर्टीन मेडिसिन कवर चुके कवर कर चुके हैं अब हम पढ़ेंगे मेडिसिन फिफ्टी एनाकार्डियम औरिएंटेल जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी वो थी अमाइलिनम नाइट्रोसम तो एनाकार्डियम uh, औरिएंटेल के बाद जो हमारी ए सीरीज की मेडिसिन बचती है वो अप्रॉक्स फोर्टीन टू फिफ्टीन है और हमारे पास सेवन डेज हैं इस मंथ में तो हम कवर uh, कर लेंगे वो मेडिसिन नेक्स्ट मंथ से मैं नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करूँगी बी सीरीज तो जो लोग चाहते हैं कि मैं बी सीरीज़ स्टार्ट करूँ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कुछ लोग होंगे जो चाहेंगे कि ए सीरीज़ का रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट हो तो जो लोग रिवीजन सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं वो कमेंट में कमेंट uh, में बता दें मुझे कि उनको ए पर रिविज़न सीरीज़ चाहिए और रिविजन सीरीज़ की जो वीडियोज़ होंगी वो बहुत ही शॉर्ट होंगी और उसमें सिर्फ उतने ही पॉइंट इंक्लूड होंगे जो उस मेडिसिन के इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं मतलब uh, एक मेडिसिन का नाम आए और उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है वो आपके दिमाग में आ जाए ऐसे हर मेडिसिन की एक पिक्चर बताऊंगी मैं आपको जिससे आपको दिक्कत ना हो जैसे आप आपसे कोई पूछता है एथ्यूज़ा तो एथ्यूज़ा से आपको पता चलना चाहिए कि एथ्यूज़ा में क्या है उसको क्लाउड्स दिख रहे हैं रेड दिख रहा है कॉर्नर्स में तो वो चार पांच फीचर जो हर मेडिसिन के इम्पॉर्टेंट हैं और उससे पूरी मेडिसिन के बारे में आपको पता हो तो वो मैं बताऊंगी रिविजन सीरीज में रिविजन सीरीज बहुत ही शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट की नोट्स के बेसिस पर मिलेगी तो अगर रि, रिवीजन सीरीज चाहिए ए की तो कमेंट में बताएं और अगर आपको बी सीरीज चाहिए ए के बाद बी की सीरीज चाहिए सी डी ऐसे करके तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना हैं जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन लोग हैं मतलब वॉटिफ की कोई चाहता ही ना हो कि एक के बाद बी स्टार्ट हो सब यही चाहते हैं हो कि एक के बाद ए रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो तो मुझे थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कैसे करना है तो स्टार्ट करते हैं एनाकार्डियम ओरिएंटेल एनाकार्डियम ओरिएंटेल का कॉमन नेम है मार्किंग नट इसकी फैमिली है एनाकार्डिएसी द एनाकार्डियम पेशेंट इज फाउंड मोस्टली अमंग द न्यूरास्थनिक्स दे, दे हैव अ टाइप ऑफ नर्वस डिस्पैप्सिया रिलीव वाई फूड इम्पेयर्ड मेमोरी डिप्रेशन एंड इरिटेबिलिटी विद डिम्यूनिशन ऑफ सेंसेस स्मेल फाइट और हियरिंग एनाकार्डियम का जो पेशेंट है वो कैसा होगा न्यूरेस्थेनिक मतलब उसको फिजिकली और मेंटली एग्जॉशन होगा डिप्रेशन क्रोनिक फटीक एक तरह से हर तरह से थका हुआ है फिजिकली भी और मेंटली भी नर्वस डिस्पैप्सिया देखने को मिलेगा जो कि खाना खाने से आराम मिलेगा उसे रिलीव्ड बाई फूड इम्पेर्ड मेमोरी होगी डिप्रेशन इरिटेबिलिटी और उसके साथ साथ डिमिनेशन जब जब आप कोई बहुत ज़्यादा काम कर लो जैसे आपने एक हाथ से बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो वो क्या होता है वो हाथ आपका थक जाता है और उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता तो इसी व ऐसे ही इसके साथ है कि ये बहुत फटीक है इसको बहुत ज़्यादा फटीक है फिज़िकली भी और में, मेंटली भी तो अगर इतना थक गया है कि इसके सेंसेस भी डिमिन्यूट हो गए हैं स्मेल साइट हियरिंग प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं बहुत लो फंक्शन हो गया है उनका सिफिलिटिक पेशेंट ऑफन सफर विद दीस कंडीशन जो सिफिलिटिक पेशेंट्स हैं वो उनमें ज्यादा ये कंडीशन देखने को मिलती है सिफिलिटिक पेशेंट सिफिलिटिक पेशेंट तो आप जानते हैं सोरा सिफिलिटिक साइकोटिक वाला तो जिनकी कंडीशन सिफिलिटिक है वो पेशेंट्स ऐसी कंडीशन से सफर करते हैं मतलब अगर वो सिफिलिटिक में पहुंच गया है उसका म्याज मगर सिफिलिटिक है तो उसकी प्रॉब्लम भी तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वाली होगी तो उसके सेंसेस काम काम करेंगी वो वाला इंटरमिटेंसी ऑफ सिम्टम्स सिम्टम्स इंटर इंटरमीटेंट सिम्टम्स होंगे मतलब आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, जाएंगे ये वाला फियर ऑफ एग्जामिनेशन इन स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स में हमें क्या मिलेगा फियर ऑफ एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा तो जिसको एग्जाम से डर लग रहा है ना कार्डियम दे दो नहीं मजाक कर रही हूँ ऐसे नहीं देनी हमें उसका सिमिलम निकालना है वीकनिंग ऑफ ऑल सेंसेस साइट हियरिंग एक्सेट्रा तो सारे सेंसेस वीक होंगे साइट हियरिंग सब कुछ एवर्जन टू वर्क अब क्या है? थका हुआ है हर फिजिकली भी मेंटली भी तो काम करने का मन नहीं करेगा अवर्जन होगा काम से सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी होगी इरजिस्टेबल डिजायर टू स्वेयर एंड कर्स अब ये बहुत आरामी है सॉरी एनाकार्डियम ओरिएंटल बहुत ज्यादा बदतमीज है ये सबको स्वेयर और कर्ज करता रहता है इसकी ये इसका खुद पे काबू ही नहीं है तो अब आपने देखा है कि एक एक इमेजिन करो कि कोई मूवी या कोई सीरियल में ऐसे आपने देखा हो कि एक हीरो है या एक विलन है कोई भी है एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है तो वो अकेले बैठता है तो उसकी एक अच्छी आत्मा निकल आती है एक बुरी आत्मा निकल आती है और एक अच्छी आत्मा उसे बताती है कि उसे ये करना है फिर बुरी आत्मा हंस हंस के बताती है कि नहीं उसे ये करना है तो सेम वही है ये एनाकारियर मतलब जिसमें दो जिसे दो दिखाई दे रहे हैं ना इनर सेल्फ कि एक अच्छा है आत्मा है एक मन है तो इनर सेल्फ इसके दो हैं तो वो ये एना

ठीक है सेंसेशन ऑफ अ प्लग इन वेरियस पार्ट अलग अलग पार्ट में इसको प्लग का सेंसेशन होगा मतलब कुछ फंसा हुआ है ऐसा आइज में रेक्टम में ब्लैडर में और बैंड का सेंसेशन भी होगा हर जगह एम्प्टी फीलिंग इन द स्टमक स्टमक में एम्प्टी फीलिंग आएगी स्टमक में खालीपन महसूस होगा कि ऑल गॉन सेंसेशन टाइप ईटिंग टेम्परली रिलीव ऑल डिस्कम्फर्ट और ईटिंग से क्या होगा पेलिएट हो जाएगा सारी चीजें तो ईटिंग टेम्परली मतलब कुछ भी खाने से टेम्परली रिलीव में हो जाएगा सारे डिस्कम्फर्ट में सारी प्रॉब्लम्स में देर इज़ अ श्योर इंडिकेशन ऑफ एन वेरीफाइड इट्स स्किन सिम्टम्स आर सिमिलर टू रेस्टॉक्स इसके जो स्किन सिम्टम्स हैं वो सिमिलर है रेस्टॉक्स के एंड इट हैज़ ऑफन प्रूव टू बी अ वेल्यूएबल एंटीडोट टू पॉइजन ओक पॉइजन ओक के लिए एक अच्छा एंटीडोट है नेक्स्ट है माइंड माइंड में क्या है फिक्स्ड आइडियाज़ होंगे हेलुसिनेशंस आएंगे थिंक ही इज पजस्ट बाई टू पीपल और विल्स ये मैंने बताया कि दो लोग दिखाई दे रहे हैं उसको तो उसको लगेगा उसे दो पीपल ने या दो विल्स हैं उसकी तो एक जो करने को कहेगी वन कमांडिंग हिम टू डू वॉट अदर फॉरवर्ड्स तो उसको लगेगा कि एक एक कह रही है एक कहने को एक करने को जो कहेगी तो अच्छी वाली कहेगी नहीं कि नहीं 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 तुम्हें ये नहीं करना चाहिए थिंक हर सेल्फ अ डीमन कर्स एंड स्वेयर ये हम पढ़ चुके हैं कर्स और स्वेर की डिज़ायर है तो अपने आप को वो एक डीमन समझेगा राक्षस बुरा इंसान ही वाला सडन लॉस ऑफ मेमरी देखने को मिलेगी एवरी सीम्स टू बी इन अ ड्रीम तो उसको लगेगा कि सब कुछ एक सपना सा चल रहा है एन्जायटी वन वॉकिंग चलेगा तो एंग्जाइटी होगी फील्स एज ए परस्यूड और उसे लगेगा कि वो इसको पीछा कर रहा है कोई इसे फॉलो कर रहा है या पीछा कर रहा है प्रोफाउंड मेलिकॉली एंड हाइपो बहुत ज़्यादा उदासीनता मिलेगी मतलब बहुत ज़्यादा सैड रहेगा मेलिकॉलिक कंडीशन है और हाइपोकॉन्ड्रियासिस है विद अ टेंडेंसी टू यूज़ वॉयेंट लैंग्वेज और इतनी हाइपोकॉन्ड्रिया है कहते हैं ना हाइपोकॉन्ड्रिया है के मतलब हर चीज़ उसे बड़ी चीज़ दिखेगी तो वो क्या करेगा बहुत ज़्यादा वॉयेंट लैंग्वेज ही यूज़ करेगा थोड़ी सी चीज़ में परेशान हो जाएगा किसी ने कुछ कह दिया तो उससे लड़ जाएगा ये वाला ब्रेन फैग इम्पेयर्ड मेमरी है एबसेंट माइंडेड है वेरी इजिली ऑफेंड तुरंत बुरा मान जाएगा मेलिशियस सीम बेंट ऑन विकनेस मेली मेलिशियस मतलब मेलिशियस मतलब जो कुछ बुरा कर रहे हैं मतलब बहुत ही चतुर टाइप का ऐसा वाला मेलिशियस मेले मन का कह सकते हैं हम वो वाला इंसान है सीम बेंट ऑन विगडनेस विक, और क्या है बहुत चा चतुरता है बहुत चतुराई है बहुत चालाकी है बहुत धोखाधड़ी टाइप का इंसान है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ और अदर खुद में कॉन्फिडेंस की कमी है दूसरे में भी है उसे लग रहा है कि खुद के लिए तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं दूसरे पे भी भरोसा नहीं कर रहा दूसरे के लिए भी कॉन्फिडेंस नहीं है सस्पीशियस है हर किसी पे अपने चारों तरफ होने वाली हर एक्टिविटी पे उसे शक सक, सक करेगा हाई ओसाई मस्त भी सस्पीशियस होता है क्लियर ऑडियंट है हियर्स वॉइस फार अवे और ऑफ द डेड एक होता है क्लियर क्लियर वॉयस उसमें क्या होता है कि सपने आते हैं या कोई चीज सोचता है तो वो सच हो जाती है यहाँ पर क्लियर ऑडियंट है ऑडियंट है इसका मतलब है कुछ सुनाई दे रहा है उसे जो आसपास किसी को नहीं सुनाई दे रहा वो उसे सुनाई दे रहा है मरे हुए लोग उससे बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है ये सिनाइल डिमेंशिया भूलने की याद आता है भूलने की बीमारी कह सकते हैं हम सिनाइल मतलब ओल्ड एज वाली ठीक है एबसेंस ऑफ ऑल मोरल रेजिस्टेंस जो भी मोरल रेजिस्टेंस है वो है ही नहीं मतलब उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जैसे कोई एक अच्छा इंसान है वो कुछ काम करने जा रहा है तो उसके अंदर का जो देखूंगा मोरल रिस्ट्रेंट रेस्ट्रेंट की एब्सेंस है मतलब कोई एक अच्छा इंसान है उसके वो कोई बुरा काम करने जाएगा तो उसके अंदर मन का एक आवाज़ देगा कि नहीं नहीं ये मत करो पर इसके अंदर वो है ही नहीं इसके अंदर कोई मोरल बचा ही नहीं है जो उसे रोकेगा कुछ भी बुराई करने से स्ट्रेंज टेंपर है लाफ ऑफ मतलब अब लाफ एट सीरियस मैटर एंड सीरियस एट लाफेबल थिंग्स मतलब जो हंसने वाली चीज़ है वहाँ पर सीरियस हो जाएगा और जो सीरियस एकदम सीरियस चल रही है कॉन्फ्रेंस चल रही है या कोई भी सीरियस प्रेयर चल रही है तो वहाँ पर ही हंसने लग जाएगा बिना बात के तो बहुत स्ट्रेंज टाइम पर है हेड में क्या है वर्टाइगो देखने को मिलेगा प्रेसिंग पेन एज एफ अ प्लग वर्स आफ्टर मेंटल एग्जर्शन तो हमने पढ़ा था कि प्लग सेंसेशन हो रहा है हर जगह ईयर में रेक्टम में ब्लैडर में तो हेड पे भी इसको क्या लग रहा है कि प्रेसिंग पेन है अब प्लग नहीं है तो एक बैंड का सेंसेशन लग गया इसके के चारों तरफ से सर बांध दिया है और उसकी वजह से दर्द हो रहा है प्रेसिंग पेन मेंटल एग्जॉस से बढ़ेगा क्योंकि पहले ही मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुका है बुरी तरह फॉरहेड में ऑसिपट में टेंपल में वर्टेक्स में हर जगह पेन है बेटर ड्यूरिंग मील खाना खाने से टेम्परली सारे डिस्कम्फर्ट में आराम मिल रहा है इसको इचिंग एंड लिटिल बॉयल्स ऑन स्कैल्प स्कैल्प पे इसको बहुत ज्यादा खुजली होगी और छोटे छोटे बॉयल्स मिलेंगे आइज आइज में क्या है हर जगह प्रेशर फील हो रहा है प्लग लाइक सेंसेशन हो रहा है ऑर्बिट में ब्लड विजन होगा ऑब्जेक्ट क्या है बहुत दूर दिखाई देंगे फार अवे ईयर्स में भी क्या है प्रेसिंग पेन होगा प्लग का सेंसेशन हार्ड हियरिंग होगी मतलब जो भी सेंसेस हैं वो क्या हो गए हैं सेंसेज है? डिमिनीट हो गए हैं तो अब कोई चीज़ देखना चाह रहा है तो छोटी भी चीज़ पास की भी चीज़ उसे दूर दिखेगी देखने में दिक्कत होगी कुछ सुनना चाह रहा है तो हियरिंग हार्ड हो गई तो सारे सेंसेस क्या है स्मेल साइट हियरिंग सब डिमिन्यूट हो गए हैं। इस वजह से हो रहा है और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन सिम्टम है की नोट है वो क्या है कि हर जगह प्रेशर फील हो रहा है ऑल्सो बैंड बैंड जैसा या फिर प्लग जैसा नोज नोज में क्या है फ्रीक्वेंट स्नीजिंग बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आएगी सेंस ऑफ स्मेल परवर्टेड अब जो स्मेल का सेंस है वो डिमिन्यूट हो गया परवर्टेड कोराइजा विद पैल्पिटेशन कोराइजा के साथ साथ पेल्पिटेशन होंगे और एज्ड पीपल में ज़्यादा देखने को मिलेंगे फिर उसके बाद है फेस फेस पे ब्लू रिंग मिलेंगी अराउंड द आईज़ फेस कैसा होगा पेल अब जो इंसान बहुत परेशान है बहुत थका हुआ है तो उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स यानी कि काले घेरे नीले घेरे तो आई जाएंगे तो ब्लू रिंग्स आ गए ठीक है ऐसे कनेक्ट कर लेंगे माउथ में क्या है पेनफुल वेसाइकल्स देखने को मिलेंगे फिटेड और ऑर्डर होगा जिसे बोलते हैं हेलिटोसिस टंग स्वेल हो जाएगी इम्पेडिंग स्पीच और मोशन दोनों इम्पीड हो जाएगा स्पीच भी और मोशन भी मतलब जो टंग का मोशन है उसमें दिक्कत है तो बोलने में दिक्कत होगी सलाइवा आएगा बहुत ज्यादा माउथ में बर्निंग होगी अराउंड लिप्स ऐसा लगेगा कि पेपर मतलब मिर्च लगा दियो फिर उसके बाद है स्टमक स्टमक में क्या है वीक डाइजेशन हो जाएगा तो अगर डाइजेशन वीक है तो प्रॉपर एब्जॉर्बशन नहीं होगा यानी कि बहुत ज्यादा फुलनेस लगेगी और डिस्टेंडेड लगेगा एबडामन फूला हुआ एम्पटी फीलिंग इन द स्टमक ऑलगॉनसेंसेशन है स्टमक में इरक्टेशन हो रहे हैं नोजिया वॉमिटिंग भरा है तो वापस भी तो आएगा तो इरेक्टेशन होंगे नोजिया वॉमिटिंग होगा ईटिंग रिलीव द एनाकारियम डिस्पैप्सिया तो ईटिंग से क्या है इसके सारे डिस्कम्फर्ट टेम्पररी रिलीव हो रहे थे तो उसका डिस्पेप्सिया भी रिलीव्ड हो रहा था हमने पढ़ा था कि नर्वस डिस्पैप्सिया है इनमें और जो कि फूड से रिलीव हो रहा है ठीक है एप्ट टू चोक वैन ईटिंग और ड्रिंकिंग और जब भी कुछ खाएगा या पिएगा तो क्या है गले में चोकिंग सेंसेशन होगा इससे पहले हमने एक मेडिसिन पढ़ी थी आ, शायद अमोनियम अमोनियम में अमोनियम म्यूर थी अमोनियम कार्ब थी तो उसमें ड्रिंकिंग में दिक्कत हो रही है किसी में ईटिंग में इसमें दोनों में दिक्कत हो रही है कि खाने में भी और पीने में भी फूड और ड्रिंक स्वेलो करेगा बहुत जल्दी 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 में पर क्या करेगा जब उसे अंदर ले जाएगा तो उसे चौकिंग सेंसेशन होगा एबडेमन में प्लग का सेंसेशन होगा जैसे इंटेस्टाइन को प्रेस कर दिया है पेन कैसा होगा बैंड की तरह रंबलिंग पिंचिंग और ग्रिपिंग साउंड आएगा वॉवल्स इनएक्टिव है इनफेक्चुअल डिजायर है मतलब डिजायर तो है स्टूल पास करने की लेकिन पास नहीं हो रहा कोई इफेक्ट ही नहीं है उसका इन इन डिजायर डिजायर से ही पावरलेस रेक्टम कैसा लग रहा है पावरलेस लग रहा है जैसे कि प्लगडअप हो गया है वो चोक हो गया है मतलब डिज़ायर है जा जा रहा है वो फ्रेश होने पर निकल नहीं रहा है पावरलेस है रेक्टम स्पेजमोडिक कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा स्प्रिंक्टर एनाय का इवन सॉफ्ट स्पूल पास विद डिफिकल्टी अब कॉन्स्ट्रक्शन है स्प्रिंटर एन आई का तो स्टूल चाहे सॉफ्ट हो या हार्ड हो डिफिकल्टी से ही पास होगा इचिंग मिलेगी एन एस में मॉइस्चर फ्रॉम रेक्टम हैमरेज ड्यूरिंग स्टूल स्टूल के टाइम पर ब्लड आएगा पेनफुल हैमरस देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट अभी तक हमने जितनी मेडिसिन बढ़ी है उनमें से मोस्टली मेडिसिन में हेमरॉइड्स की कंडीशन है ही है मेल में क्या है वॉलिप्टस इचिंग मिलेगी डिजायर बढ़ जाएगी सेमिनाइल इमोशंस देखने को मिलेंगे बिना ड्रीम्स के प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज होगा ड्यूरिंग स्टूल फीमेल में क्या है लिकोरिया की कंडीशन होगी और लिकोरिया के साथ साथ स्टोरनेस रहेगी पार्ट में प्राइवेट पार्ट में और उसके साथ इचिंग होगी मेन स्कैंटी होंगे फिर उसके बाद है रेस्परेशन रेस्परेशन में क्या है चेस्ट पे प्रेशर फील होगा जैसे कि प्लग प्लग का सेंसेशन होगा बैंड का सेंसेशन होगा ऑपरेशन ऑफ चेस्ट चेस्ट में भारीपन फील होगा इंटरनल हीट के साथ एंजाइटी होगी और उसे क्या चाहिए ठंडी हवा चाहिए कफ एक्साइटेड वाई टॉकिंग जो कफ है वो एक्साइट हो जाएगा किससे टॉकिंग बोलने से इन चिल्ड्रन आफ्टर अ फिट ऑफ टेम्पर तो अगर हाँ कफ एक्साइट हो जाएगा टॉकिंग से और बच्चों में क्या है कि अगर कोई भी टेम्पर का एक फिट आया एक फिट आया तो उसके बाद दिक्कत बढ़ जाएगी कफ आफ्टर ईटिंग विद वॉमिटिंग ऑफ फूड एंड पेन इन ऑसीपुट कुछ भी खाने के बाद फूड वॉमिट हो जाएगा और उसके बाद कफ़ खांसी आएगी और ओसीपिट में पेन होगा ठीक है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो इटैलिक वाले सिम्टम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है हार्ट में पाल्पिटेशन देखने को मिलेंगे उसके साथ साथ वीक मेमोरी कोराइजा मिलेगा एज पीपल में स्टिचेस मिलेंगे हार्ट रीजन में रिमेड पैराडाइटिस मिलेगी उसके साथ साथ डबल स्टिचेस देखने को मिलेंगे मतलब डबल स्टिचेस का क्या मतलब है कि एक एक बार स्टिच फील हुआ और उसके बाद तुरंत बाद एक गैप के बाद फिर से एक स्टिच फील हुआ तो डबल स्टिचेस हो ये बैक डल प्रेशर मिलेगा शोल्डर्स पे जैसे कि बहुत ज्यादा वेट उठाया हुआ है स्टिफनेस मिलेगी नेप ऑफ नेक पे ठीक है एक्सट्रीमिटीज में क्या देखने को मिल रहा है नूरेलजिया मिल रहा है थंब का पैरेलिटिक वीकनेस है नीज पेरलाइज पूरी मेंटली और फिजिकली तो वीक है ही है तो नीज और नीज पेरलाइज फील होंगे और ऐसा लगेगा कि बांध दिए हैं बैंडेज है, है क्रैम्प होंगे काफ्स में काफ मसल्स होंगे उनमें बहुत ज़्यादा क्रैम्प देखने को मिलेंगे और यहाँ पर भी प्लग सेंसेशन मिल रहा है मतलब बांध दिया है जैसे ग्लूटाई जो हमारी मसल है उसको बांध दिया है ऐसा फील होगा जो पाम है उन पर वॉर्ड्स देखने को मिलेंगे फिंगर्स वेलन होंगी वेसिकुलर इरप्शंस के साथ साथ स्लीप में क्या है अब जो जो इंसान मेंटली और फिजिकली इतना एग्जॉस्ट है उसमें क्या है स्लीपलेसनेस देखने को मिलेगी तो स्पेल्स ऑफ स्लीपनेसनेस लास्टिंग फॉर सेवरल नाइट मतलब बहुत रातों तक उसे नींद नहीं आई ऐसा पेशेंट आएगा कि कहेगा कि आठ रातों से सोया नहीं हूँ पंद्रह दिन से सोया नहीं हूँ ये वाला चीज एनजी ड्रीम्स आएंगे और सोने की भी कोशिश करेगा तो थोड़ी नींद आएगी और उसे एनजी ड्रीम आएंगे नींद टूट जाएगी फिर रात भर नींद नहीं आएगी स्किन में क्या होगा इंटेंस इचिंग होगी रेस्टॉक्स की स्किन से याद करो तो रेस्टॉक्स की स्किन भी ऐसी होगी इंटेंस इचिंग एग्जाइमा और उसके साथ साथ मेंटल इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी वैसी कोल इरेक्शंस मिलेंगे अर्टिकेरिया देखने को मिलेगा स्वेलिंग मिलेगी और पॉइजन ओक से जो इरेक्शंस होते हैं वैसे इरेक्शन देखने को मिलेंगे और ये पॉइजन ओक को एंटीडोट करता है कौन एन कार्डियम लाइकन प्लेनस देखने को मिलेगा फंगल इन्फेक्शन है ये भी और न्यूरोटिक एक्जिमा भी देखने को मिलेगा वॉट्स मिलेंगे हैंड्स पे अल्सर्स मिलेंगे फोर आर्म पे उसकी मोडेलिटीज क्या है कि वर्स किससे हो रहा है हॉट एप्लीकेशन से हॉट वाटर के एप्लीकेशन से इसकी कंप्लेन बढ़ रही है क्योंकि स्किन कंप्लेन है अब किसी को इचिंग हो रही है और उस पर गर्म लगाएंगे तो वॉर्म से क्या है कोई फंगल इन्फेक्शन से कोई इचिंग हो रही है जैसे लाइक प्लेनस हुआ तो क्या है वो इचिंग बढ़ जाएगी तो हॉट एप्लीकेशन से इसे दिक्कत होगी बेटर किससे होगा ईटिंग से और लाइंग ऑन साइड जो साइड अफेक्टेड है वहां लेटने से और अगर आपको इचिंग है किसी पार्ट पे तो रबिंग पे या बर्निंग है तो रब करने से क्या मिलेगा आराम तो इसे भी रबिंग से आराम मिल रहा है एंटीडोट करती है ये ग्रीन ग्रीन कॉफी रस्टॉक्स ये यूकिलिप्टिस तो इन सब मेडिसिन को ये एंटीडोट करती है तो ये है एनाकार्डियम ओरिएंटल तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैन वीडियो लाइक like करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं थैंक यू